नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है। हालांकि भारत देश में नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन भारत की राज्य सरकार खास सतर्कता बरत रही है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं, खासकर अत्यधिक जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की जाँच की जा रही है। नए नियमों के तहत जोखिम ग्रस्त देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य है और जांच के नतीजे आने पर ही उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। सीबीएसई द्वारा आज बुधवार को 1 दिसंबर 2021 से 12वीं बोर्ड के प्रमुख विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूरे देश में आए कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण सावधानी बरतते हुए इस बार सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षा 2 सत्र टर्म 1 और टर्म 2 में आयोजित की जाएगी। उत्तर दिनाजपुर जिला के इस्लामपुर महाकमा अस्पताल में पहली बार जटिल सर्जरी शुरू की जा रही है। उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर तथा मालदा जिला के कुल 27 कृष्ठ रोगियों को यहां इलाज कर उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाए जाने की पहल की जा रही है। जटिल सर्जरी का आयोजन कोलकाता मेडिकल कॉलेज के 5 विशेष डॉक्टर और इस्लामपुर उपमंडल अस्पताल के डॉक्टर के संयुक्त में किया जाएगा। यह कैंप 3 दिन तक चलेगा। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर राहत भरी खबर। द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके लोगों पर 63% तक असरदार है। वहीं यह वैक्सीन मध्यम से गंभीर बीमारियों पर 81% तक प्रभावी है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरियंट पर भी असर डालती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बार फिर कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने एवं लोगों की सुरक्षा हेतु राज्य में एक बार फिर से कोरोना प्रतिबंध को लागू किया गया है। राज्य गृह विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी कर बताया गया है कि रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है, जहां जरूरी परिसेवाओं को छूट दी गई है और सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में कोरोना नियमों का एक रूप से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। आज से विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम सरकार ने इनर लाइन परमिट, एरिया परमिट और संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी करने पर रोक लगा दी है। राज्य गृह विभाग ने एक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी। सिक्किम सरकार ने कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया है। देश में एक बार फिर महंगाई की मार। साल के आखिर महीने दिसंबर महीने के पहले दिन आम आदमी की उम्मीद के विपरीत महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 दिसंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए तक बढ़ा दी है। तेल कंपनियों द्वारा की गई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 100.50 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है और यह 2,101 रुपए हो गई है। अलीपुरद्वार जिला के मदारीहाट स्थित जल्दापारा टूरिस्ट लॉज में बुधवार को चाय बगान श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने को लेकर अंतिम बैठक हुई। बैठक में राज्य के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना और श्रम विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज हाइलाइट्स में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव। डामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। डामरो फर्नीचर, पीसी मित्तल, बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 0353254504। डामरो फर्नीचर, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा,
नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट सेवक रोड सिलीगुड़ी फोन 9564130130। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400.